हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज उमंग तिवारी, योर एजुकेटर फॉर जनरल स्टडीज ऑन लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुबह का 9 बज गया है, इसका मतलब टाइम है आपका आज मेरे साथ आज के हिंदू एनालिसिस को देखने का, समझने का, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। कुछ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल पर आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। मैं हूं उमंग तिवारी। सुबह 9 बजे और शाम को 7:30 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस और करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस के डिस्कशन के लिए हम लोग मिलते हैं। आप सभी लोग अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 7200 में, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड लाइव यूटी इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके फीस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 2 साल के लिए आपका फीस हो जाएगा केवल 6480 रुपये, ठीक है। और उसी तरीके से 1 ईयर के लिए आपका फीस मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करने के बाद रहेगा 5400। अनअकैडमी एजुकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के टॉप एजुकेटर वहां पर आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। थॉरो प्रिपरेशन, नंबर एक के एजुकेटर पूरे इंडिया के, और धांसु कॉम्पिटिशन, ये सारी फैसिलिटीज आपको वहां मिलती है। चलिए, तो हम आज के हिंदू के सेशन में एंट्री करते हैं। रियाना, गुड मॉर्निंग। वॉल्फ गेमर ने मेरे को गुड मॉर्निंग दिया है USCIRF के साथ। USCIRF का एक रिपोर्ट आ गया है और उस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में तो बहुत अच्छा नहीं लिखा है, इसलिए उस रिपोर्ट के हिसाब से तो ये थोड़ी सी गुड मॉर्निंग, थोड़ी कम गुड मॉर्निंग है। सत्यम कुशवाहा, गुड मॉर्निंग। चलिए, मैं जो आज आपके साथ टॉपिक लूंगा, जो है आपके हाईलाइट मेरा टॉपिक है, वो है यूरोपियन अरेस्ट वारंट। यूरोपियन अरेस्ट वारंट क्या होता है ये हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग वॉल्फ, गुड मॉर्निंग रूपेन शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो फ्रंट पेज न्यूज में यही है कि 30,000 के आसपास हमारे जो है वो केस हो गए हैं, लगभग 30,000 के आसपास केसेस इंडिया में हो गए हैं। मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे देश का, उसने प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर यूटर्न मारा है हैदराबाद में, लखनऊ में, ठीक है, कई जगह जो है वो प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो रही थी लेकिन उस पर यूटर्न मार गई है अपनी मिनिस्ट्री। डिटेल न्यूज देखेंगे। इकोनॉमी न्यूज में आज ऐसा कुछ खास नहीं है, केवल एक न्यूज है जो कि आप ज्यादातर लोग सुन चुके होंगे कि भारतीय एयरटेल और नोकिया, ये दो कंपनीज का आपस में जो है वो डील हुआ है, वो मेरे ख्याल में लगभग $1 बिलियन का ये जो है वो डील है। मीनू ढिल्लन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो और इसके अलावा वर्ल्ड न्यूज में अगर आप जाएंगे, वर्ल्ड न्यूज में भी आज का पेपर जो है वो बिल्कुल ही बोगस पेपर है, कुछ खास आज अपन लोग के लिए इसमें है नहीं। स्टिल मैंने कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सारा एनवायरनमेंट जो है वो अपना साफ सुथरा आ रहा है। फर्स्ट न्यूज पर आ जाइए अभी जल्दी से, कि ऐसा माना जा रहा है कि जो है वो लॉकडाउन की वजह से पूरे वातावरण में जो है वो साफ सफाई और बाकी सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन गंगा के बारे में ऐसा नहीं है। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है कि नो इम्प्रूवमेंट इन गंगा वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन, लेकिन यमुना जो नदी है उसमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिला, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुकने की वजह से यमुना नदी में काफी सफाई देखने को मिली है और गंगा नदी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, खास करके उसके ऑक्सीजन कंटेंट पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेंट होता है जिसके मानने से हम ये मान लेते हैं कि जो है आपका ऑक्सीजन जो कि घुलित ऑक्सीजन होता है, पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसको हम ये मान लेते हैं कि वो जो जो आपका पानी है उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन गंगा में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। The lockdown may have dramatically reduced air pollution across the country, but it hasn't significantly reduced pollution. ठीक है, तो जो आपका कहना चाहिए कि ऑक्सीजन है वाटर में अवेलेबल, उसमें की बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, जितना इंक्रीज माना जा रहा था कि होना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हुई थी पूरे देश में, ऐसा माना जा रहा था कि पानी की क्वालिटी भी अच्छी हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि दो इंडिकेटर थोड़ा सा सुधरे हैं, BOD और COD। BOD और COD जो इंडिकेटर्स हैं आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, ये दो इंडिकेटर थोड़े से सुधरे हैं। BOD को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, और एक होता है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दो अलग अलग तरीके की डिमांड है जो क्रिएट होती है किसी भी वाटर में रहने वाले जो आपके वनस्पति हैं, प्लांट्स हैं, शैवाल्स हैं, या फिर अंदर जो रहने वाली स्पीसीज है,
उनका जैसे शैवाल है, तो शैवाल के कलर से काफी कुछ जो है वो पता चल जाता है कि पानी का जो ऑक्सीजन है वो किस लेवल पर है। तो उससे सीपीसीबी जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो डेटा को निकालता है। ठीक है, पीएम मैटर, बीओडी, ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये काम करती है। तो बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आइए। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने कल एक जो है वो पॉइंट रेज किया है। उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स हमारा एक संगठन है, आप जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ब्रिक्स संगठन को एंटरप्रेन्योर्स की मदद करनी चाहिए। ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात करी है एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ईएएम। तो मेंबर कंट्रीज ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप्स शुड असिस्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू हेल्प देम डील विद द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ कोविड-19। आप जानते हैं कि ब्रिक्स का जो है वो कंट्रीज में आपस में कई तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज हैं, फेवर्ड नेशन के दर्जे भी दिए गए हैं एक दूसरे को, और ब्रिक्स बैंक का भी प्रस्ताव पेंडिंग है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक बनाने की भी बात की गई है। तो ये कुछ आपस में जो है वो, और दुनिया की टॉप इकोनॉमीज हैं, चाहे आप रशिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, और चाहे ब्राजील की बात करें। तो अगर आप इसमें से रशिया को हटा दीजिए तो ये तीनों जो है वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और साउथ अफ्रीका को भी आप इसमें ले लीजिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो है ये एक मॉडल है, और इस मॉडल में नॉर्थ साउथ कोलाबोरेशन भी देखने को मिलता है और रीजनल डिस्पैरिटीज भी नहीं है। यानी कि ब्रिक्स के बारे में एक खासियत है कि ग्लोब का काफी बड़ा हिस्सा कवर करता है ब्रिक्स। ठीक है, और इसीलिए ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है काफी कुछ डिपेंड करती है कि दुनिया की इकोनॉमी कैसी होगी, क्योंकि ये विकासशील देश हैं, इसीलिए अपने कई प्रोडक्ट्स के लिए, कई सर्विसेज के लिए ये डिपेंडेंट है विकसित देशों के ऊपर। बट स्टिल काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया की लगभग 50% जो जनसंख्या है वो आपको इन देशों से मिल जाती है। लगभग 50% जनसंख्या इन देशों में ही रहती है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो क्रिएट होती है यहाँ से, एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होती है। ही ऑल्सो स्पोक ऑफ द नीड फॉर रिफॉर्म इन द मल्टीलेटरल ग्लोबल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। तो ब्रिक्स ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स की कल एक मीटिंग में उन्होंने ये बातें कही थी, और खास करके उनका जो थ्रस्ट था वो एमएसएमई सेक्टर पे था, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर उनका मैक्सिमम थ्रस्ट था। लिवलीहुड सुधारने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिस्क को एवर्ट करने के लिए उन्होंने ये बात कही। और बाकी इंडिया के अलावा जो भी हमारे ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे वहां पर उपस्थित भी थे। गुड मॉर्निंग यशपाल सर, गुड मॉर्निंग। चलिए एक और न्यूज आया है कल चाइना की तरफ से। आपने देखा होगा कि आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने जो किट्स आई थी चाइना से उनको फॉल्टी करार दिया था, और ये कहा था कि अभी आप इन किट्स से जो है वो टेस्टिंग रोकेंगे। चाइना को इस बात पर जो है वो थोड़ा सा बुरा लगा है, और चाइना ने कहा है कि इट इज इररिस्पॉन्सिबल टू टर्न चाइनीज प्रोडक्ट फॉल्टी। लेकिन इस बात से ये बात तो तय होती है कि देयर इज अ रकस, कुछ ना कुछ तो रकस है इंडिया और चाइना के बीच में। और आपने ये भी देखा था कि आईसीएमआर ने कल ही मेरे ख्याल में ये क्लेम किया था कि पैसे जो है वो अभी तक नहीं दिए गए, अभी तक पेमेंट जो है वो किट्स की नहीं दी गई है। अब चाइना की तरफ से ये जवाब आया कि वी आर डीपली कंसर्न विद द इवेल्युएशन रिजल्ट एंड द डिसीजन मेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चाइना अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्टेड मेडिकल प्रोडक्ट। The Chinese embassy maintained a close contact with ICMR and the two Chinese companies to find out the real situation. तो जी रॉन्ग जो कि काउंसलर और स्पोक्स पर्सन है चाइना की एम्बेसी, मतलब चाइनाज एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है, मेड इन चाइना, तो उन्होंने ये बात कही है कि वो लगातार ICMR से और बाकी जो भी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। द ऑफिशियल सेड चाइना वाज कमिटेड टू असिस्टिंग इंडिया इन द फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक एंड रिमाइंडेड द टेस्ट किट्स वर सेंट टू इंडिया आफ्टर द आईसीएमआर एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अप्रूव्ड देम। ये पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आया है जो कल चाइनीज एम्बेसी ने कहा। उन्होंने कहा है कि हमने
प्रोडक्ट्स तभी भेजे थे जब आईसीएमआर और एनआईवी पुणे ने उनको अप्रूव किया था। सो नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग देम कि हमने गलत चीज भेजी। इट इज अनफेयर एंड इरिस्पॉन्सिबल ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स टू लेबल चाइनीज प्रोडक्ट्स फॉल्टी एंड लुक एट इशू विद प्रीएम्प्टिव प्रिजुडाइस। उन्होंने कहा है कि आप प्रिजुडाइस, यानी प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, ठीक है, पूर्वाग्रह के साथ जो है वो चीजों को ना देखें, प्रोडक्ट फॉल्टी नहीं है और अप्रूवल के बाद ही इंडिया में आए हैं। और हिंदू ने, द हिंदू पेपर ने कल रिपोर्ट किया था कि ये किट्स जो है वो वापस भेजे जाने की व्यवस्था चल रही है। अगले न्यूज पर देखिए, तो सारा न्यूज कोरोना वायरस बेस्ड है। आज तो बिजनेस और इकोनॉमी का न्यूज भी जो है वो आपका कोरोना, मतलब उसमें भी कुछ खास नहीं था। आई वॉज जस्ट कि मैं क्या आप लोगों को पढ़ाऊं जिससे कि आप लोगों को कुछ लगे कि हमारे टाइम का यूटिलाइजेशन हुआ। चलिए जल्दी से इस न्यूज को देख लीजिए, फिर हम स्टैटिक पोर्शंस की तरफ चलेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कंटेंट इंक्रीज हो। तो IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स और नेवल शिप जो है हमारे देश के, वो अरब कंट्रीज में हमारे जितने भी लोग फंस गए हैं, नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है और एयर इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन वेस्ट एशिया फॉलोइंग द नेशन वाइड लॉकडाउन एंड ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू COVID-19। यानी कि वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, मिडिल ईस्ट भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप अरेबियन कंट्रीज, यहां पर जो हमारे लोग फंस गए हैं उनको लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और एक प्लान चलाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स, एयर इंडिया और नेवी के प्लेन्स के साथ कि कैसे उनको जल्दी से जल्दी वापस लेके आया जाए। यहां पर दोबारा से ये पॉइंट उठेगा कि आप सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से, जापान से, सब जगह से लोगों को लेकर के आ सकते हैं, तो क्यों नहीं अपने ही देश में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सकता है, ये एक क्वेश्चन उठेगा। चलिए अगले न्यूज पर चलिए, ये थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट न्यूज है। नीति आयोग ने एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक को जवाब तलब किया है। क्यों? क्योंकि उस ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने इंडिया को टेररिज्म रैंकिंग में काफी ऊपर रख दिया है, ठीक है ना, इंडिया को जो है वो सातवें नंबर पर रख दिया है, जबकि कांगो, साउथ सूडान, सूडान, बुर्किना फासो, फिलिस्तीन, लेबनान, ये सब नीचे हैं। ये सारे कंट्रीज इंडिया से टेररिस्ट एक्टिविटीज के मामले में नीचे हैं, इसीलिए नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन उठाया है। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो है ये आपका एक इंस्टीट्यूट है और इंडिया है 7th वर्स्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री अहेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज। तो इस बात पर हमारे नीति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और जाकर के उनको पूछा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये नाम है उस थिंक टैंक का, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है ये, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो है वो 8वें नंबर पर इंडिया रखा गया था। यहाँ पे 8वें का मतलब है कि सबसे ज्यादा, उससे कम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो 8वें नंबर पर था, अभी ये 7वें पे आ गया, मतलब एक स्टेप ये और आगे बढ़ गया। और इंडिया से आगे जो आपकी कंट्रीज हैं वो है अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया। तो ये जो 6 कंट्रीज हैं आपके, अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया, इस थिंक टैंक का कहना है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, कि भाई साहब ये जो है आपसे ऊपर है और इनके बाद आप आते हैं, लेकिन इंडिया ने इस पर जो है वो अपना ऑब्जेक्शन उठाया है। और आपको पता है कि नीति आयोग इन्वॉल्व हुआ है, तो यहीं पर नहीं रुका हुआ होगा, मैं आपको डिटेल न्यूज भी दिखा देता हूं, इसका डिटेल न्यूज जो है वो मेरे पास है। फंडिंग के बारे में जो है पूछा है जाकर के, ठीक है ना, नीति आयोग ने फंडिंग के बारे में जानकारी मांगी है कि आप जरा अपनी फंडिंग का सोर्स बताइए हमें, कि आपको कहां से फंड मिलती है, आप एक थिंक टैंक है, आपको कौन जो है वो फंडिंग उपलब्ध कराता है, इस बारे में जो है वो इनको खुजली करी है कल नीति आयोग ने। मैं आपको डिटेल न्यूज दिखा देता हूं, ये देखिए आप, ये न्यूज है, इंडिया स्लैम्स इंडिया टेरर रैंकिंग, नीति आयोग ने जो है वो इंडिया के टेरर रैंकिंग के ऊपर सवाल उठाए हैं। तो पॉसिबिलिटीज इन द ग्लोबल इंडेक्सेस इंपैक्टेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, ये मैंने न्यूज इसलिए लिया है आपको बताने के लिए कि कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे इसको कि ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। यहां पर आप इसको देख सकते हैं,
कि ग्लोबल पोजीशनिंग इन द ग्लोबल इंडेक्सेस इंपैक्टेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश में जो होने वाला इन्वेस्टमेंट है उस और अपॉर्चुनिटीज जो है उनको भी प्रॉब्लम में डाल सकती है इस प्रकार की रिपोर्ट्स, इस तरीके की जो रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर नीति आयोग ने प्रॉब्लम उठाई है और उन्होंने कहा है, उन्होंने पूछा है नीति आयोग, आपको पता है कि अगर इन्वॉल्व हुआ है तो उन्होंने कहा है कि द पर्पज वॉज टू सी विच ऑफ द इंडिसेस कैन बी यूज टू ड्राइव रिफॉर्म्स ऑन विच ऑफ दीज वुड बी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट विद पब्लिशिंग एजेंसी टू मेक द इंडिसेस मोर रेलिवेंट। ईमेल्ड क्वेरी सेंड टू द आईईपी रिक्वेस्टिंग अ लिस्ट ऑफ इट्स डोनर्स हैव ऑल्सो रिमेन्ड अनआंसर्ड, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए कि किस लेवल पर जाकर के नीति आयोग काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो अलग अलग इंडेक्सेस आते हैं, ये इंडेक्सेस का डेटा जो है वो इन्वेस्टमेंट पर एक बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लगातार इंडियन एजेंसीज जो है वो कंसर्न रहती हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम यहां पर आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब डेटा जो है वो आपका बहुत छोटे सैंपल सेट पर लिया गया हो, भाई अगर एक देश में 100 करोड़ लोग रह रहे हैं और आपने 500 लोगों का डेटा ले लिया जाकर के किसी मैं एक बात कह रहा हूं किसी भी आउटर एरिया में, तो आप कह नहीं सकते कि किसी और जगह भी आपको यही स्थिति मिलेगी। तो सैंपल सेट के ऊपर काफी डिपेंड करता है कि किस तरीके से भारत में जो है वो स्थिति है, ठीक है। और भारत ही नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर के आप 100 लोगों का डेटा ले लेंगे और उस डेटा के हिसाब से आप कोई सैंपल सेट क्रिएट करेंगे तो दैट विल नॉट बी रैशनल, ठीक है। तो इस वजह से नीति आयोग ने जो है वो आपका ये प्रॉब्लम उठाया। अब जो खबर बता रहे हैं हमारे वॉल्फ गेमर जी ने, जिस खबर के साथ आज आगाज किया है हमारे सेक्शन में, उस खबर को भी आप लोग देख सकते हैं। USCIRF डाउनग्रेड्स इंडिया इन 2020 लिस्ट। मैं एक काम करता हूं, मैं जरा इसको इस स्थिति में लेकर के आता हूं, ये उसमें खुलेगा नहीं है, उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो USCIRF ने जो है वो इंडिया की लिस्ट को डाउनग्रेड किया। अब आप लोग पूछोगे सर ये कौन सा लिस्ट है, हमने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना था। तो दोस्तों ये एक लिस्ट है जो कि US डिपार्टमेंट जो है वो आपका जारी करता है, US डिपार्टमेंट इसको जारी करता है और इस लिस्ट में इंडिया को जो है वो कंसर्न्ड स्टेटस में रखा गया है। कंसर्न जो है वो स्टेटस में रखा गया है इसमें इंडिया को। मैं आपको डिटेल न्यूज बताता हूं, ये देखिए ये है आपका, ये न्यूज जो है आज निकला है, USCIRF डाउनग्रेड्स इंडिया इन 2020 लिस्ट। क्या है वॉल्फ गेमर जी, आप ही चाहे तो प्रकाश डाल सकते हैं, आपने इस बात के साथ आज बात की शुरुआत करी है। तो US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये है USCIRF का फुल फॉर्म, ठीक है। ये देखिए US कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, इस रिपोर्ट ने जो है वो इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में जो है वो इंडिया को इस रिपोर्ट में रखा गया है, ठीक है। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को पिछली बार इस तरीके के लिस्ट में नहीं रखा गया था, लेकिन जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है रखने की जो वजह शो करी है उसमें यह कहा गया है कि द रिपोर्ट रिलीज इन वॉशिंगटन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, द रिपोर्ट रिलीज बाय वॉशिंगटन फेडरल गवर्नमेंट कमीशन दैट फंक्शन एज एन एडवाइजरी बॉडी प्लेस इंडिया अलोंग साइड कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम जो है वो आपका यहां पर रेज होता है कि आपने इंडिया को ये जो है वो इस श्रेणी में रखा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज ने आपने तुलना करी है इंडिया की,
तो ये जो है वो एक कंसर्न क्रिएट हुआ है, और इस न्यूज का कल इंडिया में जो है वो आलोचना भी की गई है, क्रिटिक भी किया गया, और इंडिया देखिए नीचे आया। इंडिया टुक अ शार्प डाउनवर्ड टर्न इन 2019, द कमीशन नोटेड इन इट्स रिपोर्ट विच इंक्लूडेड स्पेसिफिक कंसर्न अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो इस सब के पीछे जो वजह रही है वो वजह रही है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हमारे यहाँ जो प्रदर्शन हुए, हमारे यहाँ जो प्रदर्शन हुए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, तो इस जो बॉडी है यूनाइटेड स्टेट्स की, इस बॉडी का मानना है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है। ठीक है, वी रिजेक्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन इंडिया इन द यूएस सीआईआरएफ एनुअल रिपोर्ट, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव सेड। इट्स बेस्ड ऑन टेंडेनियस कॉमेंट्स अगेंस्ट इंडिया आर नॉट वी। और आपको पता ही है न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर जो है वो आपका वॉशिंगटन पोस्ट हो, इंडियन गवर्नमेंट लगातार जो है वो इनको क्रिटिक करती रही है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हमेशा जो है वो स्केप्टिक अप्रोच रखते हैं इंडिया के खिलाफ। तो अनुराग श्रीवास्तव जी ने भी कल यही कहा है कि बट ऑन द ओकेजन इट्स मिस इंटरप्रिटेशन हैज रीच्ड अ न्यू लेवल्स, इट हैज नॉट बीन एबल टू कैरी इट्स ओन कमिश्नर्स विद इट्स एंडेवर, वी रिगार्ड इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एंड विल ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। तो कुल मिला के उन्होंने कहा है कि वो हमारे देश को जो है वो पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डालेंगे। तो भारत की सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम उनके डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डाल देंगे। तो ये जो है वो खबर देखने को मिली है। उन्होंने कहा है कि इंडिया पर्टिकुलर कंसर्न की कंट्री, और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो न्यूज़पेपर एजेंसी, ये जो आपकी एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट करी है, उसी को हम पर्टिकुलर कंसर्न कंट्रीज में डालेंगे। और हमारे साथ साथ उन्होंने रखा है चाइना को और नॉर्थ कोरिया को। इट इज रियली अ वेरी हार्श कमेंट ऑफ दैट एजेंसी, इंडिया इज अ प्लेस वेयर ऑल द रिलीजियस कास्ट क्रीड द मेंबर्स ऑफ ऑल द लिनेजेस आर वेलकम। ठीक है, तो इस वजह से इस रिपोर्ट का काफी क्रिटिक निकल करके आया है। एक और तरीके का जो है वो श्रेणी इस रिपोर्ट में बताया गया। द हिंदू ने तो रिपोर्ट नहीं किया है उसको, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर मैंने वो सर्च किया था सुबह आप लोगों को बताने के लिए कि ये जो आपका एक है कंट्री विद जो है वो आपका पर्टिकुलर कंसर्न, इसके साथ एक और कैटेगरी की कंट्रीज इन्होंने मेंशन करी है, टीयर टू कैटेगरी स्पेशल वॉच लिस्ट। यहां पर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई का दे रहा होगा कि ये जो ऊपर आपको कंट्रीज दिखाई पड़ रही हैं, ये बर्मा, चाइना, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये आपकी 9 कंट्रीज जो थी उसमें पहले से थी, 5 कंट्रीज जोड़ी गई हैं। ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कंट्रीज की अगर आप बात करें इस लिस्ट के हिसाब से, तो इसमें 9 कंट्रीज पहले से देखने को मिलती थी, 9, जिनमें आपके थे वर्मा, चाइना, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। 5 कंट्रीज इसमें जोड़ी गई हैं, जिनमें है इंडिया, नाइजीरिया, रशिया, सीरिया एंड वियतनाम। तो ये आप कुल मिला के 14 कंट्रीज हो गई हैं जो कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है। एक तो ये कैटेगरी है, एक इसके अलावा जो है टीयर टू कैटेगरी रखी गई है जिसमें कि इन्होंने नाम दिया है स्पेशल वॉच लिस्ट, यानी कि इन कंट्रीज के ऊपर जो है वो स्पेशल वॉच रखनी है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्यूबा, निकारागुआ, सूडान। यहां पर देखिए आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा क्यूबा, निकारागुआ, सूडान एंड उज्बेकिस्तान, और इसके अलावा 11 अदर कंट्रीज हैं जिनको कि स्पेशल वॉच लिस्ट की श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है, तो ये हुआ है कंप्लीट न्यूज हिंदी में जो है वो आपको केवल कंट्रीज विद पर्टिकुलर कंसर्न श्रेणी के बारे में ही बताया गया था, एक स्पेशल वॉच लिस्ट, स्पेशल वॉच लिस्ट के नाम से भी इन्होंने जो है वो एक लिस्ट क्रिएट करी, और इंडिया ने इसका भी खंडन किया है, भारत सरकार ने ऑफिशियली इसका खंडन किया। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं हमारा स्टैटिक पोर्शन,
जो स्टैटिक पोर्शन एक मैं कोशिश करता हूँ लेकर के चलूं, ताकि आपको जो है थोड़ा सा कोरोना वायरस की खबरों से हटके भी कुछ खबर इस समय मिलती रहे। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में हम बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा। आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि हेड ऑफ स्टेट्स बात करते हैं, पीछे जो है वो ग्रेनाइट की एक दीवार होती है, ठीक है, ग्रेनाइट की एक दीवार होती है जिसके आगे खड़े होकर के हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो संबोधन देते हैं पूरी दुनिया को। और इसको लेकर के जो है वो कई बार जो है वो इसको लेकर के खबर आती है। कई बार राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, कई बार वो नहीं जा पाते तो अलग अलग देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन उस जगह पर खड़े होकर के पूरी दुनिया को अपने देश के बारे में बताना वाकई में एक बहुत बड़े फक्र की बात होती, ठीक है। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही होती है वो जो दीवार के आगे खड़े होकर आप देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र आम महासभा, ठीक है। तो 1945 में आप जानते हैं कि यूएन का गठन किया गया, 1945 में यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। जनरल असेंबली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन एज द चीफ डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई उनका कहें आप हाउस है, तो वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर इसके साथ जुड़े हुए हैं। मल्टीलेटरल डिस्कशंस, बाईलेटरल डिस्कशन इस तरीके के, पीके सैनी कोरोली जी गुड मॉर्निंग, कई तरीके के जो है वो लेवल पर जाकर के डिस्कशन होते हैं। कई बार चीजें जो है वो आपकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी जाती है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है वो कोशिश ये की जाती है कि सभी देशों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। हर कंट्री, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका पॉपुलेशन कुछ भी हो, वोट जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो सबको आपका यूनिट यूनाइटेड ही दिया गया है, मतलब यूनिटी वोट है सबका, इक्वल वैल्यू है सबके वोट की। द असेंबली मीट्स फ्रॉम सेप्टेंबर टू डिसंबर ईच ईयर एंड देयर आफ्टर फ्रॉम जनवरी टू सेप्टेंबर एज रिक्वायर्ड, इंक्लूडिंग टू टेक अप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट फ्रॉम द फोर्थ एंड फिफ्थ कमिटीज। ऑल्सो ड्यूरिंग द रिज्यूम पार्ट ऑफ द सेशन द असेंबली, इन्होंने बताया कि कैसे उसके अलग अलग सेशन होते हैं। आपके लिए जानने की बात यह है कि 1945 से इसका गठन हुआ, सारे के सारे यूनियन यूनियन यूएन के जो मेंबर्स हैं वो चल रहे हैं। और मैं बताता हूँ, ये जो आपने मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना होगा, MDGs एंड SDGs, यानी कि मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गुड मॉर्निंग अनूप पंडित एंड मनीष मीना। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी जो है वो आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ही अपनाए गए थे। ये जो आप सुनते हैं तो इसको कौन अपनाता है, देखिए यूएनएससी जो होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो कंपेरेटिवली एक छोटा एक उनका हाउस है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करें तो इस बारे में आपको देखना पड़ेगा कि जनरल असेंबली ही इम्पावर्ड है। तो सन 2000 में आपको पता होगा इस समय जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, इनसे पहले 15 मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे जो कि 2015 तक हमें अचीव करने थे, ठीक है। और उसके बाद अब 2015 से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया में नोडल एजेंसी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मॉनिटरिंग के लिए, उनको लुकआउट करने के लिए वो नीति आयोग है। चलिए मनीष मीणा जी, मेरा सुबह जो है वो क्लास 9 AM पर स्टार्ट होता है, 9 AM सुबह यूट्यूब पर, और शाम को 7:30 PM पर होता है यूट्यूब पर। यहां पर मैं द हिंदू का एनालिसिस लेता हूं और शाम को करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीएस का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस समय हम लोग इकोनॉमिक्स लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इन सेप्टेंबर 2015 द असेंबली अग्रीड ऑन अ सेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो है वो 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि सतत विकास लक्ष्य हैं। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो ये लगभग पिछले 60 साल का आप मान सकते हैं, पिछले 65 साल का जो है वो डेटा है कि कौन कौन से कंट्रीज के कौन कौन व्यक्ति जो है वो आपके अध्यक्ष रहे। 46 से लेकर के 56 तक का ये डेटा है कि उस समय कौन कौन रहे थे। इस समय आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यूएन जीए के उनगा के जो है वो प्रेसिडेंट कौन है इस समय?
इस समय यूएनजीए के प्रेसिडेंट कौन है? आप में से कौन बताएगा? बताइए। देखिए, इंडिया से एकमात्र जो यूएन प्रेसिडेंट रही हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वो रही थी विजय लक्ष्मी पंडित। 1953 में यूनाइटेड नेशन से जाने वाली, यूनाइटेड नेशंस की प्रेसिडेंट बनने वाली इंडिया की पहली, और आप कह सकते हैं कि उसके बाद से आखिरी, अभी तक कोई भी जो है वो प्रेसिडेंट इंडिया से नहीं गया है। ठीक है, तो 1953 में ये बनी थी इंडिया से, और पहली महिला प्रेसिडेंट भी थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, और भारत की तरफ से भारत की भी पहली और आखिरी महिला प्रेसिडेंट थी। 1946 में बेल्जियम के पॉल हेनरी स्पार्क जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते थे। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नॉन नॉन वेस्टर्न प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, कार्लोस पी रोमुलो। ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो 1953 में पहली बार जो है वो आपके इंडिया से राष्ट्रपति जो है वो बनी थी, और उसके बाद जो है आपके कोई भी अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना। बिल्कुल सही आंसर दिया है रोशनी दून जी आपने, तिजानी मोहम्मद बंदे। आप लोग इस नाम को याद रखेंगे अगर आपको नहीं पता है तो, तिजानी मोहम्मद बंदे। ठीक है, ये जो है वो आपके इस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलिए ये बारे में मैंने आपको बता दिया, जो स्पेशल वॉच लिस्ट और कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न थी, ये स्लाइड यहां पर था। आई थॉट कि मैंने ये स्लाइड लिया है, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट, तो आप इसको यहां से देख लेंगे, मैं आपको डाल दूंगा वहां पर। ठीक है, आपको मैंने इस बारे में बताया। अब हम अपने हाइलाइटेड पॉइंट की तरफ आएंगे। जो मैंने आपको एक पॉइंट आज हाइलाइट्स में दिया था कि आज इस पॉइंट को मैं हाइलाइट्स के रूप में जो है वो आपका डिस्कस करूंगा, तो यूरोपियन अरेस्ट वारंट, ये जो है वो आपका मैंने टॉपिक लिया था। वैसे तो नाम से ही आपको इसके बारे में पता चल जाना चाहिए, ऐसा कोई बहुत डीप टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो आपके कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं माइंड में। आपको लगने लगता है कि यार अगर ये इतना इजी होता तो एग्जामिनर पूछता ही क्यों। दैट इज वाई मैंने ये टॉपिक यहां पर लिया है, और ये टॉपिक अभी हाल में न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था? कि जो अभी आपका ब्रेग्जिट हुआ है, जो आपका ब्रेग्जिट हुआ है यानी कि 31 दिसंबर से जब से ब्रिटेन जो है वो आपका बाहर निकला है यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन अरेस्ट वारंट को लेकर भी आपका एक न्यूज क्रिएट हुआ। तो ईएडब्ल्यू क्या है आपसे पूछा जा सकता है। ईएडब्ल्यू इज अ फास्ट ट्रैक एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर बिटवीन ईयू मेंबर स्टेट, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में आपकी एक ट्रीटी है, और अ मेंबर स्टेट कैन मेक अ रिक्वेस्ट व्हेन दे वांट टू प्रोसिक्यूट और इम्प्रिजन अ पर्सन हु इज इन अनदर मेंबर स्टेट। ईएडब्ल्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ जजमेंट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक यूनिट नहीं है, वो आपकी एक जुडिशियल यूनिट भी है। यानी कि अगर एक कंट्री ने किसी और देश में रहने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुनाया तो यूरोपियन अरेस्ट वारंट के तहत उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यूरोपियन अरेस्ट वारंट में म्यूचुअल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन का मतलब यह कि किसी दूसरे देश में सुनाया हुआ जजमेंट आपके यहां रहने वाले व्यक्ति पर भी जो है वो आपको लागू करना पड़ेगा। म्यूचुअल रिकॉग्निशन मीन्स द अथॉरिटीज इन वन मेंबर स्टेट कैन अरेस्ट एंड सरेंडर अ पर्सन टू अनदर मेंबर स्टेट, दे डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ जुडिशियल अथॉरिटी इन दी अदर मेंबर स्टेट, द प्रोसेस इज कंक्लूडेड विद मिनिमल इंक्वायरी इन टू द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट। यानी कि रिक्वेस्ट के बेस पे जो भी जुडिशियल रिक्वेस्ट आएगी उसके बेसिस पे इंक्वायरी करने के बाद ये काम किया जा सकता है। द ईएडब्ल्यू वॉज अ रिस्पॉन्स टू द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द ईयू, इट रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी दैट क्रिमिनल्स माइट ट्राई टू इवेड जस्टिस बाय मूविंग बिटवीन मेंबर स्टेट्स। Before the EAW's introduction, extradition arrangements were notable
फॉर देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड पोटेंशियल फॉर डिले. क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बीच में आपको पता है कि शेंगेन वीजा फैसिलिटीज के तहत वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर सकते हैं. तो उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम है या और सिविल क्राइम है, और क्राइम करने के बाद वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर के रहने लगा, तो अब यहाँ का पूरा लॉ, नियम, कानून जब तक चलेगा तब तक वो बंदा क्या है, वहां पर फ्रीली रहेगा. तो इस डिले को कम करने के लिए जितने भी मेंबर स्टेट्स थे यूरोपियन यूनियन के, उन सबने मिलकर के इस तरीके का एक एक्सटेडिशन, एक यूरोपियन अरेस्ट वारंट, एक जो है वो मतलब एक ओवरऑल एक्सटेडिशन ट्रीटी का निर्माण किया जो सबके ऊपर समान रूप से एप्लीकेबल. तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे. आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए. आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि आप सभी लोग अनअकैडमी की एग्जाम चैंपियनशिप से जुड़िए. इंडिया के टॉप एंड रिनाउंड एजुकेटर जो हैं वो आपके लिए लगातार 25 अप्रैल से चैंपियनशिप लेकर के आ रहे हैं. चारों सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए आपके ये टेस्ट होंगे. शुरू हो चुके हैं टेस्ट आपके, वीकली बेसिस पर ये टेस्ट होंगे, और आप सभी इनको दीजिए. बहुत खूबसूरत तरीके से ये टेस्ट डिजाइन करे जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा महसूस होगा. और क्योंकि आप इनको ऑनलाइन जो है वो इनमें परस्यू करेंगे इस टेस्ट को, इसीलिए आपको और ज्यादा यूनिफॉर्मिटी महसूस हो. तो अपने आप को आप इनरोल करिए. इनरोल करने का तरीका बहुत सिंपल है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करिए. ऐप इंस्टॉल करने के बाद अनअकैडमी एसएससी चैंपियनशिप को आप सर्च करिए. इसको सर्च करके आप इसमें एनरोल कर लीजिए खुद को. इस तरीके से आप जो है वो इन टेस्ट को दे सकते हैं. तो दोस्तों थैंक्स ऑल फॉर द डे. मेरा रेफरल कोड लाइव ड्यूटी याद रखिएगा, आपको आपके फीस पर 10% का डिस्काउंट दिलवाएगा. बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए, टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. लेट्स क्रैक इट. थैंक यू.